अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी आज का जो व्लॉग है ना, बहुत ही मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है व्लॉग। आज मैं आपको अपने घर की डीप क्लीनिंग करना बताऊँगी कि मैं किस तरह से जो ना डेली बेस पर डीप क्लीनिंग जो है वो करती हूँ। और ये जी मेरा जो यहाँ पे एक सोल रखा हुआ है, इसके ऊपर जो है ना डेली हमारे हाथ लगते हैं सारी फैमिली के, यहाँ पे हर किसी की जो है डेली ज़रूरत की यहाँ पे चीज़ें जो है ना इसके ऊपर जो बंदा आता है सजा के रख देता है, तो इसको ना मुझे डेली बेस पे साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ पे कुछ मेडिसन्स भी हमारी डेली बेस वाली पड़ी हुई हैं जो कि डेली हम लोग लेते हैं। और सबसे पहले ना मैं ये जो ज्वेलरी मैं डेली बेस पर वेयर करती हूँ ना, मतलब कि मैं रोज़ाना जो लाइट वेट ज्वेलरी होती है वो मैं पहन ही रखती हूँ घर में, तो मैं रात को ना इसको रिमूव कर देती हूँ। और रिमूव करने के बाद ना मैं वही बता रही हूँ कि हर चीज़ जो ना हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, जो हमारे हाथ में एक्स्ट्रा चीज़ होती है हम उठा के यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि आते जाते जो ना यहीं पे सबके हाथ जो है वो लगते हैं। घर में एक ना एक कोई कोना हर किसी के घर में ऐसा ज़रूर होता है कि जो ना हर जो बंदा आते जाते जो ना उसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई चीज़ जो है वो रखता आता जाता है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आते हैं तो वो भी अपने पेपर्स वगैरह भी यहीं पे रख देते हैं, वॉलेट वगैरह भी, मोबाइल वगैरह भी, हर चीज़ जो एक्स्ट्रा उनके हाथ में होती है ना सब कुछ यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे एक मेरी तस्बीह जो है ना हमेशा जो है वो पड़ी रहती है, क्योंकि यहीं पर मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती है तो फिर मैं यहीं से तस्बीह भी अपनी जो है वो उठा लेती हूँ। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पे इसको पता है जब आपको यहाँ पे हर वक्त हाथ लगते रहें तो फिर बड़ा ज़्यादा मैस जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, तो इसको ना मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। और सुबह उठते साथ जो है ना, जब मैं नाश्ते वगैरह से फ्री हो जाती हूँ किचन वगैरह क्लीन करने के बाद, तो मैं सबसे पहले जो है ना यहाँ से स्टार्ट करती हूँ अपनी क्लीनिंग। और यहाँ पे अभी क्लीनिंग करते करते ना मेरे माइंड में आया कि मैंने आज जो है ना अपने विटामिन वाली टैबलेट जो है वो नहीं ली अभी तक, तो ये मैंने अपने व्यूअर्स के साथ पहले भी जो है ना अपने इस पर प्रॉपर जो है एक व्लॉग मैंने शेयर किया था। तो आजकल जो है ना मैं ये वाली विटामिन की टैबलेट जो है वो ले रही हूँ। मैं विटामिन जो होते हैं वो चेंज करके जो है वो लेती रहती हूँ। ये मेरी मंथली एक मंथ की ये बोतल थी, तो बस अब फिनिश होने वाली है। मैं डेली जो है ना नाश्ते के बाद, तकरीबन नाश्ते से आधे घंटे के बाद जो है ना लाजमी जो है वो लेती हूँ। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं जी खुद को एक्टिव, और उसके बाद जो है ना घर के काम काज जो है वो सारे स्टार्ट करते हैं। और ये जो साथ में दूसरी जो बोतल आपको ऑरेंज सी नज़र आ रही है, ये मेरे हस्बैंड जो है ना वो अपनी लेते हैं, वो भी विटामिन की लाजमी जो है ना एक टैबलेट लेते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, आप लोग भी अगर इस तरह से हैं इस एज में, एक यानी कि अगर बच्चों वाले हैं, छोटे बच्चों वाले 30 से अबव की आप एज में जा रहे हैं, तो आपको ये विटामिन अपनी लाइफ में लाजमी जो है ना इनको इंक्लूड करें। इससे आप एक तो बड़ा एक्टिव रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, और विटामिन जो होते हैं ना बड़े ज़्यादा ये मुफीद भी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने जब से ये लेने स्टार्ट किए ना मैं खुद को बड़ा ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। मैं काम जो है ना बड़े ज़्यादा आराम से तरीके से जो है वो कर लेती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है ना मेरी जो कंडीशन होती थी बड़ी, मैं थकी थकी सी रहती थी, हर वक्त जो है ना काम करना मेरे लिए बहुत, कोई छोटे से छोटा भी काम होता था ना तो उसको भी करने के लिए जो है ना मैं 10 दफ़ा सोचती थी तो फिर उठ के जो है वो मैं काम करती थी। इसने मेरी लाइफ में बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा किया है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से मैंने विटामिन्स लेने स्टार्ट किए हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना चेंज हो गई हूँ। मैं बड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और जब इतने इतने छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू आपके घर में हों जो हर वक्त इनके साथ आपको एक्टिव रहना पड़ता है ना, तो बस ना पूछें जी, फिर जो है ना बंदे को इस तरह के विटामिन्स ले के ही तभी जो है ना इंसान जो है वो एक्टिव रह सकता है। तो खैर जी, यहाँ पे क्लीनिंग जो है वो मेरी स्टार्ट हो चुकी है। बच्चों को मैंने लगा दिया था, मैंने उनको मैं डेली लगाती हूँ कि चलो जी अपने अपने जितने आपके टॉयज आप लोगों ने बिखेरे हुए हैं ना जगह जगह से सारे समेटो और अपनी अपनी बास्केट्स के अंदर जो है वो आप लोग डालो। तो यहाँ पर बच्चों को भी मैंने साथ में अपने लगाया हुआ था, और मैं ये डेली का इनका टास्क देती हूँ। फिर जब मेरी क्लीनिंग मैं जब क्लीनिंग कर रही होती हूँ तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी लगे हुए होते हैं, वो भी आगे पीछे हर जगह जो है ना हाथ मार रहे होते हैं, और अपने अपने जो होते हैं ना उनके टॉयज़ वगैरह वो अपने वो समेटने में लगे हुए होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेड बना लिया है, क्योंकि बेड अगर आपका बना हुआ है ना तो यकीन करें आपको आधे से ज़्यादा जो है ना 80% आपको रूम जो होता है ना वो क्लीन नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आपका बेड नहीं बना हुआ ना तो आपका रूम जो है बहुत ज़्यादा मैसी रहता है, और जब इसके ऊपर चादर के ऊपर जब रिंकल्स वगैरह हों, तो मुझे तो वैसे भी जो है ना रिंकल्स बिल्कुल नहीं पसंद, और बहुत ही ज़्यादा मुझे मैस क्रिएट हुआ हुआ नज़र आता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो होता है ना अपना बेड जो है वो बना लेती हूँ। सारी चीज़ें बच्चों से खिलौने वाला भी समेटवा लिए थे मैंने यहाँ पे, और साथ में जो है ना मैंने जल्दी से जो है ना यहाँ पे ब्रूम लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे ना मार्केट्स में बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ कि मुझे कहीं से कोई ना झाड़ू मिल जाए, जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी घरों में होते हैं, तो वो उससे ये होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा
इजी रहता है और उससे क्लीनिंग भी ना काफ़ी ज़्यादा दूर दूर तक जो है ना कोनों खुदरों तक भी जो है हमारी क्लीनिंग जो होती है वो हो जाती है। तो मैं तो ढूंढने की कोशिश बड़ी कर रही हूँ, अगर मुझे यहाँ से कहीं से भी मिला, कहीं पे भी नज़र आया तो मैं ज़रूर जो है ना वो लाजमी जो है वो बाय करूँगी। और ये वाला जो मॉप है ना, इसने मेरी लाइफ यकीन करें बड़ी ज़्यादा आसान कर दिया। मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में आप सबको रिकमेंड किया था कि आप लोग जो है ना ये वाला मॉप ले लें, आपकी ज़िंदगी यकीन करें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। मुझे तो इस मॉप को करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर, यहाँ पर मैंने ब्रूम और मॉपिंग वगैरह जो है मैंने कर दी थी, उसके बाद ही मैंने ये जितने फुट मैट रग्स वगैरह जो कारपेट्स वगैरह उठाए हुए होते हैं ना सारे, फिर जब मैं फ्लोर जो होता है वो ड्राई हो जाता है तो उसके बाद ना ये सारे मैं बिछा देती हूँ। और साथ में जो है ना मैंने बच्चों को भी यहाँ पे शावर दिलवा दिया था वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम जो है मुझे अभी वॉश करना था, तो मैंने सोचा पहले बच्चों को शावर दिलवा दूँ तो उसके बाद जो है ना फिर मैं साथ में जो है ना वॉशरूम भी साथ में जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। तो बच्चों को यहाँ पे मैंने चेंज भी करवा दिया। ये मेरे घर में डेली का काम है बच्चों को डेली शावर दिलवाना, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को एक दिन भी अगर शावर नहीं ना दिलवाती तो बड़ा ज़्यादा जो है ना बच्चे मुझे जो है ना अजीब से लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और वॉशरूम भी मैं अपना डेली बेस पर क्लीन करती हूँ, लाजमी जो है करती हूँ। अच्छा, बड़ी लकीली जो है ना इस अपार्टमेंट में हमें ये वाला जो वॉशरूम है ना बड़ा क्लीन मिल गया था। बड़ी ज़्यादा मैं खुश हुई थी, क्योंकि इससे पहले दुबई में रहते हुए यहाँ पे पता है आपको लोग आते हैं जाते हैं, तरह तरह की दुनिया जो है यहाँ पे रह के जा रही होती है अपार्टमेंट्स के अंदर, तो बड़े ज़्यादा जो है ना मेस वाशरूम्स भी, बड़े गंदे गंदे वाशरूम्स में भी हमें जो है वो मिले हैं। तो मेरा बड़ा ज़्यादा जो है ना एक आप कह लें कि मुझे जो है ना बड़ा ज़्यादा फोबिया हो गया था इन चीज़ों से ना, कि मैं इनको बर्दाश्त से मेरे से ये बाहर थी ये चीज़ ना, कि मेरा दिल नहीं चाहता था ना कि उन वॉशरूम्स को क्लीन भी करने को मेरा दिल नहीं चाह करता था, वॉशरूम में इवन कि मेरा जाने को भी दिल नहीं चाहता था, कि मेरा बस दिल उठ गया था। और यहाँ पे ये वाला जो वॉशरूम है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना अच्छा मिल गया है हम लोगों को, काफ़ी ये क्लीन है। बहुत ज़्यादा हमसे पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसको क्लीन रखा हुआ था, टाइल्स वगैरह भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, मतलब कि मैं ईजीली जो है ना इस पर क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इसको डेली बेस पर जो है ना वो क्लीन करती हूँ। ये इसका जो टैप है ना काफ़ी ज़्यादा इसका ये ख़राब हो चुका है, मतलब ये ख़राब इस तरह से कि इसका जो ऊपर का जो कलर वगैरह जो स्टील वगैरह ना वो ख़राब हो गया है, तो इसको हम लोग चेंज करवाएंगे। और बाकी जो है ना बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो वॉशरूम है बड़ा ज़्यादा साफ़ सुथरा सा रहता है हर वक्त ना, वॉशरूम ना साफ़ हो तो मेरा दिन जो है ना बहुत बुरा गुजरता है। तो मैं डेली बेस पर जो है ना अपना वॉशरूम लाजमी क्लीन करती हूँ, वॉशरूम की एक्सेसरीज़ वगैरह सारी जो है ना मैं वीकेंड पर जो है ना सारी एक दफ़ा वीकली जो है ना इनको सबको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि डेली बेस पर तो जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे होते हैं, और जब वीकेंड होता है ना तो फिर हफ्ते में एक दफ़ा जो है ना मैं लाजमी इन सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ, एक एक चीज़ को जो यानी कि डीप क्लीन जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो अच्छा जी, ये है शाम का क्लिप। शाम में मैंने यहाँ पे बनाई थी चाय। चाय तो आपको पता है कि मेरे व्लॉग्स में मस्ट होती है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से जो है ना वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि शाम की चाय जो होती है वो मेरे व्लॉग में लाजमी नज़र आती है आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय लवर हूँ और मैं शाम की चाय जो होती है वो लाजमी जो है बनाती हूँ। बस यहाँ पर अभी करूँगी चाय इंजॉय, उसके बाद ना जब मैं फ़्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि दिन भर की थकावट रही और सारा काम वगैरह करने के बाद दिन का बच्चों को खाना खिलाना ये करना वो आम नॉर्मल रूटीन जो है ना आज मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो उसके बाद ये अभी मैंने रिलैक्स हो गई थी तो बड़ी ज़्यादा फ्रेश भी हो गई थी, असर की नमाज़ पढ़नी पड़ी और उसके बाद ना मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। यहाँ पे जी अभी मैं बनाने लगी थी आज बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जिन्होंने मेरे शॉर्ट देखे हैं उनके साथ मैंने कल ही शेयर कर दी थी कि ये इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जो है वो दूंगी, मैंने अपना शॉर्ट लगाया था इस रेसिपी का। तो खैर जी, यहाँ पे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा जो है मेरे पास आज बहुत थोड़ा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जो भी है ना थोड़ा सा ही है लेकिन हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा है, हमें यकीन करें ये आज ये मैंने कल बनाई थी और हमें आज जो है ना दिन तक ये सालन जो है ना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, इतना थोड़ा सा सालन भी मेरी फैमिली के लिए इनफ होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया है और साथ में जो है ना मैंने यहाँ पे लिए हैं जी प्याज, टमाटर और लहसुन और साथ में हरी मिर्चें। हाफ जो प्याज है मैंने वो साइड पे रख लिया, यानी कि एक प्याज मैंने साइड पे रख लिया और एक प्याज जो है ना मैं अभी चॉपर में डालूंगी, उसको मैं चॉप करूंगी, लहसुन भी चॉप करूंगी और टमाटर भी, इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा जो है ना चॉपर में डाल के जो है वो चॉप कर लेना है।
और चैनल पर न्यू है तो कर लीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने अभी तक नहीं किया बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि मज़े के ब्लॉग्स जो हैं आप लोगों को मिलते रहें देखने को। तो अच्छा जी, खैर यहाँ पर जो है ना मैंने इसको चॉप कर लिया है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं ये जो तीनों चीज़ें मैंने चॉप की हैं इनको मैं इस कीमे के अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर जो है ना मैंने पानी भी ऐड किया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा ना होने के बराबर, क्योंकि कीमा जो है आपको पता है ज़रा जल्दी जो है वो गल जाता है। साथ में प्याज टमाटर पे अपना पानी जो है वो छोड़ेंगे। और इसके साथ जो है स्पाइसेस में मैंने ऐड किया है नमक, मिर्च और सुरख मिर्च और हल्दी, और थोड़ा सा मैंने धनिए का पाउडर, साबुत धनिए का पाउडर वो मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसको कवर करके ना तकरीबन मैंने 20 मिनट के लिए जो ना फ्लेम पहले थोड़ी सी 5 मिनट के लिए हाई रखी थी, फिर 15 मिनट के लिए जो ना मैंने लो फ्लेम पर इसको जो है ना गला लिया। यहाँ पर कीमा जो है मेरा अच्छी तरह से जो है गल चुका था। प्याज टमाटर देखें, लहसुन आपको ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा होगा, अभी मैंने हालांकि बुनाई भी नहीं की थी। तो खैर यहाँ पे अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। स्टेज पे मैं ऐड करती हूँ जी कुकिंग ऑयल। ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसको आप लोग खड़े मसाले वाला कीमा भी कह सकते हैं, दो प्याज़ा कीमा भी कह सकते हैं, कुछ भी आप लोग इसको नाम दे लें, और धुआंदार कीमा भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं इसको एंड में जी जो धुआँ लगाऊँगी ना वो जी क्या वाह वाह करवाएगी आपकी फैमिली में, यकीन करें इतने को मज़े का इसका टेस्ट निकलता है ना जिसकी हद नहीं है। अच्छा खैर यहाँ पे अभी मैं आपको साथ में बता दूँ, यहाँ पे मैंने दो छोटे छोटे कोयले थे मेरे पास पड़े हुए, वो ही मैंने जो है ना चूल्हे पे साथ में जो चूल्हा जिस जल रहा था ना उसी के ऊपर ही मैंने रख दिए हैं, ताकि जो है ना मुझे अलग से गैस इसके लिए ना जलानी पड़े। तो वहीं पे साथ में भुनाई भी हो रही है कीमे की, और साथ में कोयले भी जो है ना हमारे इतनी देर में जो है ना उनको क्या कहते हैं पक जाएंगे, कोयले जब तक हमारे पकेंगे साथ में तब तक जो है ना हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी दूसरी साइड पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर जी मैंने थोड़ा सा जो है ना वो कुकिंग ऑयल ऐड किया, और ये जो मैंने प्याज अलग से करके रखा था ना इसको मैंने लंबा लंबा बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। यहाँ पर इसको मैं करूँगी जी सौते, और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पे सोते होना शुरू हो चुका है। और इसके बाद जी जो मैंने टमाटर बचा के रखा हुआ था ना वो टमाटर भी जो है मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इस टमाटर को भी मैं ऐड कर लूँगी, और टमाटर को मैंने इतना एक पकाना है ना कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए, और बस इसको खड़ा खड़ा रखना है, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा फुल जो है ना वो कुक नहीं करना कि ये टमाटर नज़र ही ना आए, बस इसका पानी मैंने ड्राई करना है। और इसके बाद जी यहाँ पर साथ साथ जो है ना मैं कीमे की बुनाई भी कर रही हूँ। आप लोगों ने इस मेथड से बना के मेरे साथ इसका फीडबैक ज़रूर शेयर करना है, बहुत ही मज़े की एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा खैर यहाँ पे जी टमाटर भी हो चुका है मेरा तकरीबन जितना मुझे चाहिए था, इतना ही आपने भी रखना है। और इसके बाद जी इसको मैं ऐड कर दूंगी इस कीमे के अंदर, प्याज टमाटर का ये जो मसाला सा है ये सारा मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। और साथ में जो मैंने हरी मिर्चें जो कट करके रखी हैं, अदरक मैंने जूलियन साइज़ की मैंने कट की हुई है, और वो मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर, क्योंकि ये खड़े मसाले वाला कीमा जो है इसको मैं बना रही हूँ, तो ये खड़े मसाले वाला कीमा इसी तरह से बनता है। और एंड में जो इसको धुआँ लगाएंगे ना वो तो जी वाह वाह करवा देगी, और इतनी कोई मज़ेदार किस्म की खुशबू आई थी ना, यकीन करें कि खा के भी जो है ना मुंह से आपका 3 घंटे तो आपका, मैं कहती हूँ यकीन से कहती हूँ आपके मुंह से इसका जायका ही नहीं जाएगा, इतना कोई मज़ेदार किस्म का ये बनता है। अच्छा जी खैर यहाँ पे अभी मैंने इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। कीमे की यहाँ पर फुल जो है ना मैंने बुनाई कर दी थी इस टाइम पर। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें और हरा धनिया। आप लोग हरा धनिया और हरी मिर्चें लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे इसकी जो है ना बहुत प्यारी जो है ना लुक आती है। हरा धनिया और हरी मिर्चें मैं पहले ऐड करूँगी, फिर उसके बाद जो है ना कोयले का जो है वो धुआं दूँगी, और यहाँ पे हरी मिर्चें भी ऐड कर दूँगी, और साथ में जो है ना हरा धनिया भी जो है वो मैं ऐड कर देती हूँ। इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जब कोयले का धुआँ दे ना तो कोयले का धुआँ हर चीज़ में जो है ना जाए, और आपके मुँह में अगर जो नवाला जाए ना तो हर चीज़ में आपको कोयले का धुआँ जो है वो टेस्ट में आए, और बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक, और देखिएगा जब मैं इसको कोयले का धुआं भी लगाती हूँ। आपके पास अगर कोई स्टील की कटोरी वगैरह है तो आप उसमें दे दें, मेरे पास नहीं थी अवेलेबल कोई ऐसी चीज़, मुझे नज़र नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने क्या किया मैंने एक ब्रेड का स्लाइस ले लिया, उसके ऊपर ना मैंने इस तरह से कोयले जो है वो रख दिए हैं, और जो मैंने जो इसमें प्याज टमाटर जिसमें मैंने ऑयल में फ्राई किया था वही ऑयल जो है ना मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और बस इसको कवर करके मैंने इसको कवर इस तरह करना है आपने कि इसका धुआँ ज़रा सा भी जो है ना बाहर ना निकले।
तो बस जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप लोगों ने नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है बताना है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी जो है वो कैसी लगी है और व्लॉग कैसा लगा है आप लोगों ने लाजमी बताना है। और अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी जी आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।